मतलब समझ में नहीं आ रहा है भाई, ये क्या मजाक हुआ है। मतलब पाकिस्तान के साथ सिर्फ ये गंदा मजाक नहीं हुआ है, बल्कि इसको घोर बेइज्जती की श्रेणी में अगर हम लोग डालें ना तो ज्यादा ठीक रहेगा। मतलब इससे गंदी बेइज्जती इस पाकिस्तान टीम की नहीं हो सकती भैया। मतलब तुम हारे तो हारे, सुपर ओवर खेल कर हारे, पावर प्ले में तुम्हारी बेइज्जती पहले ही हो गई थी, बॉब्जी डकिंग बुरी तरह फेल हो गया, और वो कीपर आजम खान जिसको तुम कीपर के तौर पर खिला रहे हो, उसको तुम कीपर के तौर पर ही नहीं खिला पा रहे। इससे बुरी बेइज्जती मतलब पाकिस्तान क्रिकेट की नहीं हो सकती, और इस वर्ल्ड कप का ये सबसे बड़ा उलटफेर है। इससे पहले कि हम लोग पाकिस्तान की और बेइज्जती करने के लिए आगे बढ़े, जरा 1 मिनट का समय लेते हैं हम अमेरिका के बारे में बात करने के लिए। देखिए सबसे पहली बात तो यहां पर कि अमेरिका की टीम को लीड कौन कर रहा है, पटेल भाई। देखो एक इंडियन ने ही जाकर हराया है, जाहिर सी बात इस बात को भूलना नहीं चाहिए हमको। आज जो ये पाकिस्तान टीम की हार हुई है, इस हार को भी हमको उतना ही सेलिब्रेट करना जितना कि हम 9 जून को करने वाले हैं। इस बात को याद रखना, अमेरिका ने आज जिस तरीके से ये गेम खेला, जिस तरीके से लीड किया इस पूरे गेम को, किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं लगा कि यार ये कोई एसोसिएट टीम खेल रही है या कोई ऐसी टीम है जो पहली बार एक वर्ल्ड कप में अपियर हो रही है। हाँ कई लोग यहां पर ये बोल सकते हैं कि यार अलग अलग देशों के खिलाड़ी लेकर आपने टीम बना ली हो फिर आप खेल रहे हो, लेकिन देखो जो भी है अमेरिका खेल तो पहली बार ही रहा है, अलग अलग देशों के खिलाड़ी खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है हो सकता है एक अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लिया। लेकिन पाकिस्तान ने जो आर्मी की ट्रेनिंग ली थी भैया, उसका क्या हुआ? आर्मी की ट्रेनिंग लेकर ये लोग यूएसए पहुंचे थे ना। मतलब सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने क्या सोच के आज के मैच में परफॉर्मेंस दी है, क्या करने की कोशिश करी है। ना बॉलिंग, ना बैटिंग, ना फील्डिंग। देखो फील्डिंग की तो खैर बात बोलना ही बेमानी है जब भी पाकिस्तान की बात होती है, क्योंकि एक एक चीज यहां पर पाकिस्तान ने इस तरीके से करी है कि आप सोच भी नहीं सकते। सुपर ओवर वो मोहम्मद आमिर को दिया था, मशहूर मोहम्मद आमिर जो इंग्लैंड में पैर आगे निकाल गया था हद से ज्यादा, और फिर 5 साल के लिए बैन लग गया था। मतलब सुपर ओवर में बंदे ने कितनी 3 वाइड डाली हैं, और इन 3 वाइड के ऊपर 3 रन तो दिए ही, साथ में 4 से 5 रन और एक्स्ट्रा दिए, मतलब इन टोटल 8 रन सुपर ओवर में एक्स्ट्रा के गए। क्या कर रहा था भैया मोहम्मद आमिर? बॉल फेंक रहा था, मजाक कर रहा था। वाइड के ऊपर रन दा भागे उन प्लेयर्स ने, वो बात अलग है, वाइड तो तू ही फेंक रहा था। मतलब मोहम्मद आमिर को तुम लोग लेके किस लिए आए हो भैया? वापस इसीलिए लेकर आए हो क्या? इसीलिए वापस लेकर उसको उसको फिक्सर क्यों बुलाते हैं? इसीलिए बुलाते हैं ना, संन्यास से वापस बुलाया था। अरे भैया संन्यास से वापस आ जाओ, आ जाओ, तुमको खिलाएंगे हम टीम में, तुम हमारे प्राइम बॉलर हो। वो शाहीन शाह अफरीदी वहां सर पकड़ के खड़ा है कि भैंस के टांग, जब कैच के लिए बॉल जा रही तो पकड़ क्यों नहीं रहे तुम लोग? पर इन लोगों का समझ में नहीं आ रहा भाई, ये लोग क्या चाह रहे हैं। ये पाकिस्तान टीम आयरलैंड से हार गई, इंग्लैंड से हार गई, और अब यहां पर यूएसए से हार गई। मतलब क्या चाह रहे हो भैया? खुद तो क्लियर हो जाओ कम से कम कि क्या चाह रहे हो। मतलब माना कि तुम लोगों को आदत है अमेरिका के सामने झुकने की, अमेरिका की चाटने की तुम लोगों को आदत है, लेकिन कम से कम वहां तो इज्जत बचा लेते जहां बचानी चाहिए थी। और देखो मैं कोई बड़ी बात नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन यूएसए से तो इंडिया को भी अब डरने की जरूरत है। डरना नहीं तो कम से कम सोचने समझने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरीके से मतलब समझ में नहीं आ गया यार, जिस तरीके से यूएसए ने परफॉर्म किया है ना, उसके कारण इंडिया को थोड़ी टेंशन तो होगी। और देखो अब यहां पर मैं अभी फेसबुक के ऊपर भी लाइव हूं, यहां पर कौन विशाल भाई लिख रहे हैं, भाई तू भी तमाशा देखने आ गया। तो यार देखो ऐसा है, 3 इडियट्स में कहा था ना कि जब हम फर्स्ट आते हैं तो हमें नहीं, जब हम फेल होते हैं तो हमें उतना दुख नहीं होता, लेकिन जब मैं कुछ भूल रहा हूं यहाँ पे, बहुत अच्छी सी कहावत है वो कि जब वो फेल होता है तो ज्यादा खुशी होती है, बस वही वाली कंडीशन है यहाँ पर। मतलब पाकिस्तान के आज चारों खाने चित नहीं हुए हैं, बल्कि इन्होंने 2 कोने और निकाले कि हमको तो चित होना है, और ये 2 कोनों से और चित हो गए भैया। मतलब यार अमेरिका से सुपर ओवर खेल रहे हो, मैं तो सुपर ओवर पे ही सोच रहा था कि इनकी तो हो गई मटिया पलीत, पर फिर सुपर ओवर भी हार गए। वो इफ्तिकार को इन लोगों ने सुपर ओवर खेलने के लिए भेजा, इफ्तिकार को, उस इफ्तिकार को मतलब 4 रन भी अगर बनाने हो ना सुपर ओवर में तो भी ना भेजने की सोचे कोई। मतलब क्यों वो खिलाड़ी सो मच खेल गया समझ में नहीं आता, किस बेसिस पर खेल गया है वो समझ में नहीं आता, कौन सा ऐसा वीडियो है उसके पास बाबर आजम का कि बाबर आजम उसको टीम से नहीं निकाल पाता, समझ में नहीं आता। मतलब बंदा इफ्ती क्या कर रहा था, और उसके बाद तुम भेज रहे हो शादाब खान को। शादाब खान अभी तक इतना ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा था ना हर जगह पर कि ये बंदा जो है ना बॉलिंग ढंग से कर रहा है ना ये बैटिंग ढंग से कर रहा है। आज के मैच में जब 3 विकेट गिर गए पाकिस्तान के तो शादाब खान को ऊपर भेज दिया, बंदे ने 40 रन बना दिए, उसके बाद थका और क्यों बैठ गया, भैया पानी ले आओ मुझे पानी चाहिए। बंदे ने जैसे ही पानी पिया खुद भी आउट हुआ। उसके बाद वो आजम खान खेलने के लिए आए, वो पहली बॉल पे आउट हो गया, वो अंडे पे गया, उसने कहा कि भाई मेरे को लग रही है भूख, मैं तो अंडा लेकर जा रहा हूं, बाकी मेरे पीछे जिसको आना है देख लो।
आजम खान को तुम एज अ विकेट कीपर खिला रहे हो और उसके बाद तुम उस विकेट कीपर के से कीपिंग तक नहीं करा रहे हो। रिजवान ने कीपिंग करी मैच में भाई, जब तुमको रिजवान से ही कीपिंग करानी है तो तुम उस आजम खान को गेंडे को बाहर बिठाओ ना यार, तुम अंदर ले लो उसको, इमाद वसीम को खिला लो भाई, वो बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेगा, वो बॉलिंग भी कर लेगा। लेकिन नहीं, यहां पर लिटरली इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इनको संपट नहीं पड़ रही है भैया कि हमको कैसे टीम को लेके आगे बढ़ना है। ये पाकिस्तान की टीम में तुमको बता रहा हूं, यहां पे अभी भी पर्चियां ही चल रही हैं, अभी भी पर्ची चल रही है। ये आजम खान को जो पर्ची प्लेयर कहा जा रहा है ना, किसी ने कोई गलत बात नहीं कही भैया, बिल्कुल सही और सटीक बात कह रहे हैं यहां पर सब लोग। पाकिस्तान को यहां पर लिटरली समझ में नहीं आ रहा है कि हमको किस तरीके से किस चीज को फोकस में रख के आगे बढ़ना है। ना इनके बॉलर हारिस राउफ, मतलब इनका बॉलिंग लाइनअप देखो आप, हारिस राउफ उसमें, शाहिन शाह अफरीदी उसमें, नसीम शाह उसमें, शादाब खान उसमें, एक बॉलर का तो मैं और नाम भूल रहा हूं यार, मतलब पूरा पावर प्ले पैक जो एक बॉलिंग होती है ना यूनिट, वो इनने रखी हुई थी। और उसके बाद ये लोग ऐसी परफॉर्मेंस देकर गए, मतलब कोई और टीम होती ना तो वो वाकई में भी चुल्लू और पानी ढूंढ रही होती और बोलती भाई हमको इसमें ही डूबना है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले नहीं समझे एक्चुअली क्या है। मुझको तो ऐसा लग रहा है कि इनने सुना कि ये पाकिस्तान, हम हमारा मैच अमेरिका से, इनने अमेरिका को समझ लिया ऑस्ट्रेलिया, ये सोच रहे थे कि हम खेल रहे ग्लेन मैक्सवेल, वार्नर, क्लार्क, पॉन्टिंग, ये सब हमारे सामने आज खेल रहे हैं, हमने हाथ खड़े कर दिए भैया, हम नहीं जीत सकते। वो बॉब्जी द किंग टेस्ट मैच को बंदे ने मतलब समझ लिया कि हाँ हमको यह टेस्ट मैच ही खेलना है, T20 खेल रहा भाई तू, 12 बॉलों में 3 रन, स्ट्रगल तेरी देखकर तो जो बॉलीवुड में स्ट्रगल करने के लिए जो एक्टर जाते हैं ना वो भी शर्मा जाए कि भाई ये बाबर आजम स्ट्रगल कर रहा है क्या कर रहा है। आखिरी में स्कोर बंदा 40 के ऊपर ले गया खुद का, और जैसे ही वहां पहुंचा फिर हक्के निकल लिया भाई। जिस पॉइंट पर तेरे को खड़े रहने की जरूरत है, तू 40 बॉले वहां खेल चुका है, तू कप्तान है, कम से कम इनिंग को आखिर तक तो लेकर जा। पाकिस्तान की इनिंग के एंड में रन ही नहीं बने, मतलब अगर इन लोगों ने 10-15 रन एक्स्ट्रा बना दिए होते ना तो ये लोग फिर भी एक बार जीत सकते थे, पर रुक के खेलना ही नहीं है ना। तुमको समझ में ही नहीं आ रहा, तुमको बल्ला चलाना है, मतलब ये तो ये भी नहीं कह सकते कि बैटिंग पिच नहीं थी, यूएस रन बना गया है यहां पे। और वो तो सुपर ओवर की नौबत भी कैसे आई, 13वें 14वें ओवर से हारिस रॉफ का जो ओवर आया वहां से पाकिस्तान ने थोड़ी सी चीजें अपनी तरफ खींचना शुरू करी। जब वहां से चीजें इन लोगों ने अपनी तरफ खींची ना तो वहां से एक सिचुएशन बनी कि चलो ठीक है यहां से अब ये लोग मैच को निकाल सकते हैं, है ना, तब कहीं जाकर वो सुपर ओवर की नौबत आई। नहीं तो 18वें ओवर में अमेरिका को जीत जाना था ये मैच। वो जोन्स ने पिछले मैच में भी 94 रन ठोके थे और यहां पर ही बंदा खड़ा हो गया। और नीतीश कुमार का जिक्र इस समय वैसे भी बहुत ज्यादा हो रहा है भैया इंडिया में, तो अमेरिका की टीम में भी नीतीश कुमार था और वही इंपैक्ट प्लेयर बनकर निकल कर आया सामने। बंदे ने भले ही 14 बॉल में 14 रन बनाया लेकिन उन 14 रनों की क्या अहमियत है ये समय आप जाकर पूछो बाबर आजम से, बॉब्जी द किंग। बॉब्जी द किंग आपको बताएगा कि नीतीश कुमार के बनाए हुए 14 रनों की क्या अहमियत है। भाई बंदे ने जिस तरीके से पाकिस्तान की मटिया पलीत करी है ना, कुछ नहीं हो सकता भैया, कुछ नहीं। 9 जून को इंडिया से मैच है, देखते हैं इंडिया के खिलाफ मैच में ये लोग क्या करते हैं। मतलब यार फील्डिंग तुमसे नहीं हो रही है, सुपर ओवर तो इन लोगों ने एकदम मजाक बना के रख दिया। समझ में, शादाब खान को तुम खेलने के लिए सुपर ओवर भेज रहे हो, बाबर आजम में कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, बाबर आजम खुद नहीं आ सकता वहां पे खेलने के लिए। रिजवान तुम्हारा बहुत बड़ा हिटर बनता है, उसको क्यों नहीं भेज दिया तुमने। शादाब खान ने सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस मैच में थोड़े रन बना लिए, तुमने उसको सुपर ओवर खेलने भेज दिया। अबे मतलब ये तो देखो प्लेयर की प्रोफाइल कैसी है, वहां पे वो चल पाएगा नहीं चल पाएगा, बस देनी है तुमको बत्ती। मेरे को इन टोटल सी बात है भाई, मजा आ गया, रात को जगने का पैसा वसूल हो गया, पाकिस्तान बुरी तरह हार गया, और क्या चाहिए ऊपर वाले से, बस खुश है भाई। क्या कहना है आप लोगों का कमेंट करके बताओ जरा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत।